खानपुर विधानसभा, खानपुर विधानसभा एक हॉट सीट पर टिकी है, जहां बीजेपी ने रानी दीवानी में दांव खेला है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट काट कर, वहीं कांग्रेस ने बहुत ही सरल स्वभाव वाले सुभाष चौधरी पर दांव लगाया है। सुभाष चौधरी कितनी टक्कर दे पाते हैं, खानपुर सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे या नहीं, इनसे बात करते हैं। और यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। मोदी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं खानपुर, जंगल बहुत ही दिक्कत हो चुका है, और खानपुर विधानसभा जो है कांग्रेस की झोली में बहुत प्रचंड बहुमत से है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, लोग समस्या देख रहे हैं? यहाँ जो है यहाँ पे समस्या ही समस्या है, रानी रही है यहाँ तो समस्याओं से, चाहे शिक्षा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, रोड है, पानी की समस्या है, यहाँ तो समस्याओं से अलग है ही नहीं। यदि आपको खानपुर की चिंता चुनकी है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये रहे कि जो खानपुर की जनता वो पिछले 20 साल से मान सम्मान के लिए तरसती रही है, सबसे पहले तो मान सम्मान लौटाने का काम करेंगे सुभाष चौधरी जी। सबसे कुछ लोग मौजूद हैं, आसिफ भाई पुराने कांग्रेस में है, क्या कहेंगे? देखिए उत्तराखंड कांग्रेस ने एक नारा दिया है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री बदले हैं प्रदेश के लिए, लेकिन हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा फिट पड़ रहा है वो ना, जो तीन तिगाड़े काम बिगाड़े हैं इस समय प्रत्याशी मौजूद है, हमेशा से बिगाड़ते हैं, मतलब पब्लिक को वोट लेने के वोट लेते हैं लेकिन पब्लिक का साथ, बसपा बीजेपी और तीन कैंडिडेट जहाज वाले आए हैं इस समय, तीन कैंडिडेट बीजेपी के हैं, तीनों बीजेपी के हैं और एकमात्र यही स्थिति प्रदेश में, यही हमारी विधानसभा, इससे ज़्यादा और साफ प्रदेश। क्या नाम है आपका? व्यासा जी, क्या कहेंगे चौधरी साहब को, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? चौधरी साहब को समर्थन मिलेगा बहुत आलीशान, खुदा करे इन पर ऐसी बहार आए कि चमन का हर फूल मुबारकबाद देने। किसान नेता भी हैं अखिल भाई, इनसे बात करते हैं। अखिल भाई क्या कहेंगे? जो खानपुर की जनता, और जहाँ तक मेरा कहना है किसान भाई जैसी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, और लोगों की खानपुर की अपेक्षा भी थी जनता की, चौधरी सुभाष जी की, वो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी का, पूरी हमारी लड़ाई मरती की जो जनता है वो इनके साथ, जनता साथ रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता बोल रही है कि जनता उनके साथ रहेगी, लेकिन ये आने वाली 14 फरवरी को पता चलेगा कि उनके पक्ष में कितना वोट आता है, और 10 मार्च को निर्णय आने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलती है नहीं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।